कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इसमें सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। द क्वेश्चंस मे बी बेस्ड ऑन द लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट दैट मीन्स द पर्संस आर सीटिंग इन अ लाइन, ओके, एंड द लाइन दे मे बी नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिस। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द पर्सन इज नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर फेसिंग लेफ्ट एंड डायरेक्ट, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन डिसाइड्स कि हाँ जी अगर हमें किसी पर्टिकुलर के राइट में किसी दूसरे पर्सन को पोजिशन करना है, इन दैट केस राइट क्या जाएगा, लेफ्ट क्या जाएगा, ओके okay? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट, अब सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट मीन्स कि इन सर्कल सम पर्सन्स आर सिटिंग, ओके, एंड अगेन द पॉइंट इज द पर्सन आर इनवर्ड फेसिंग और आउटवर्ड फेसिंग। इन बोथ द केसेस यू शुड नो कि कैसे मूवमेंट होगी। उसके बाद आया स्केयर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, स्केयर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इफ यू हैव क्लियरिटी अबाउट द सर्कुलर अरेंजमेंट, इन दैट केस स्केयर रेक्टेंगल बिकम्स ईजी फॉर यू, बिकॉज इन बोथ द केसेस इनवर्ड और आउटवर्ड का केस आ जाता है कि इनवर्ड फेसिंग है तो कैसे मूवमेंट होगी, आउटवर्ड फेसिंग है तो कैसे मूवमेंट होगी, ओके okay? और ऐसा भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ द अरेंजमेंट्स। डन, अब हम पहले सबसे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि पर्सन का फेस किधर है, ओके okay? अगर हम बात करते हैं फेस की तो फर्स्ट केस है हमारे पास नॉर्थ फेसिंग का, ओके okay? ये जो मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू देन ओनली द प्रैक्टिस, अदरवाइज आप सिटिंग अरेंजमेंट पे कैसा क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, ठीक है, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कुछ उनको ध्यान से समझना है, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस आप बताओगे मुझे, मैं रिपीट कर दूंगी, ओके okay? सबसे पहला जो केस है दैट इज नॉर्थ फेसिंग, इफ ए पर्सन इज नॉर्थ फेसिंग लाइक देयर आर सम पर्संस, ओके, एंड ऑल दीज आर नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग। अब हमारे पास में पॉइंट आ रहा है कि भाई अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ये से अब जो मेरा फेस है ना इधर है, अब ये मेरा राइट हैंड है सो दिस इज राइट डायरेक्शन, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट एंड राइट। अगर मेरे पास स्टेटमेंट आ रही है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, दैट मीन्स ए राइट में है बी के, तो अब अगर हमारे पास में जो बी है बी यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, तो ए कहाँ पे जाएगा, थर्ड टू द राइट, राइट अगर मैं देख रही तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, तो बी कहाँ, ए यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ओके, राइट कहा है उसने। अगर यहीं पे है हमारे पास में सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट लेफ्ट दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड, सो दिस इज सी, क्लियर, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, दिस इज नॉर्थ फेसिंग। बट अगर मैं बात कर रही हूं साउथ फेसिंग की, आप देखिए अगेन यही है मेरे पास में, लेट अस से देयर आर सम पर्संस, बी इज हेयर, नाउ द सेम स्टेटमेंट, वट इज द स्टेटमेंट, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द, लेट अस से सम वन पर्सन इज इन द रो, ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी की राइट में, जब साउथ फेसिंग है तो यहाँ पे ध्यान रखो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट,
देखो अगर मेरा फेस इधर है तो ये देखो मेरा जो जो हैंड है जिसमें मार्कर है दैट इज द राइट हैंड है ना, तो ये राइट है ये लेफ्ट है। बट अगर मेरा फेस इधर आ गया तो उस केस के अंदर देखो ये वाला जो हैंड है ये इधर आ गया, ये वाला हैंड इधर आ गया, दैट मीन्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ओके लेफ्ट राइट चेंज हो गया आपका। तो अब इस केस के अंदर उसने कहा ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी की राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट मीन्स ए विल कम हियर, एंड सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट सेकेंड, दैट मीन्स कि सी कहाँ पे आ गया आपके पास में, यहाँ पे आ जाए। क्लियर? कोई माइनर सा इसमें डाउट? बिल्कुल क्लियर है। दिस इज नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग। नाउ